लास्ट क्लास में हमने ना एग्रीकल्चर कर रहे थे, हम हॉर्टिकल्चर हमने स्टार्ट किया था। हॉर्टिकल्चर में क्या है कि देखो, जैसे हमने देखा कि इसकी हॉर्टिकल्चर की लैंड भी बढ़ती जा रही है, कि पहले कितनी लैंड हम यूज़ करते थे, अब कितनी लैंड यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर एप्पल की सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है, और उसके बाद और भी बड़ी सारी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे एंसिलरी हॉर्टिकल्चर और फ्लावर्स हो गया है ना, इस तरह से बड़ी सारी जो जिसको हम क्या बोलेगा हम यहाँ पे, तो हॉर्टिकल्चर की भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन है। अब क्या था, जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ पे, तो अब आपने एक यहाँ पे एक बात समझ ली है जो काफ़ी फोकस किया जाता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखो हिमाचल में ना हर चीज़ की डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। एग्रीकल्चर, कई बार आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और अब तो हॉर्टिकल्चर भी है, और एक हमेशा फोकस ही जाता है टूरिज्म। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि देखो डाइवर्सिफिकेशन क्यों है ज़रूरी, क्योंकि हिमाचल के पास एक पोटेंशियल है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक जोन है। यहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक जोन, तो हमें उन क्लाइमेटिक जोन का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो जिस तरह की वहाँ पे क्लाइमेटिक जोन है, वैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, वैसी क्रॉप, ये हॉर्टिकल्चर और इवन टूरिज़्म। तो इसलिए तो अगर हम एक ही चीज़ पे स्टक रह गए, तो उस क्लाइमेटिक जोन का जो हमारे पास नेचुरल पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, उसका हम सही से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आप आज की डेट से देखोगे, हिमाचल बहुत बड़े लेवल पे इस पर काम कर रहा है कि हर तरफ हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब जैसे मान लो टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म का भी अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ही इसका बेनिफिट उठाया जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं उठा पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर अगर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लाइमेटिक जोन से। तो क्लाइमेटिक जोन पहला पॉइंट जो नेचुरल है, उसके बाद आता है स्कोप, क्या क्या हमारे पास स्कोप है। तो स्कोप के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं वो डाल दोगे आप, जो इसमें लिखी हुई है। और उसका जो तीसरा स्टेप होता है कि इसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट एज़ फार एज़ क्रॉप एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज कंसर्नड, है ना। तो ये तीन एरिया अपने बांट लो, पहले वाला क्या है कि हमें नेचर क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या स्कोप है, और तीसरा कि जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो कल हमने ये सारे, तो देखो अब क्या क्या यहाँ पे, चाहे सिट्रिक फूड है, एप्पल है, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर है ना, और ये सब कुछ आता है। और तो हमने कल लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था, तो एक चीज़ है यहाँ पे सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। अब इसके लिए अलग से एक मैकेनिज्म वो बना रखा है, मिशन बना रखा है, है ना। और इसमें क्या है कि लोगों को एक सिक्योरिटी मिल जाए कि उन्होंने जो पैदा किया है उसका उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या करी है कि जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट की एक है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, तो हमने यहाँ तक किया था। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में क्या है कि सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इसलिए जितने फ्रूट्स वगैरह हैं उनका क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, और उसके रेट भी डिसाइड कर रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने शायद उस दिन किया था। तो टिशू कल्चर का भी है यहाँ पे स्कोप, है ना। और इसके लिए अब यहाँ पे हमने टिशू कल्चर तक किया था, अब नेक्स्ट है 10 फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सरकार ने क्या कर रखा है, अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करी यहाँ पे कांगड़ा में है, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में है, सोलन में है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं लोग, अपने खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं वो कॉमन लेवल पे जो उनको मटेरियल चाहिए उसको बुला मंगाते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो कलेक्टिव जो एफ़र्ट्स होता है, तो उससे जो उनकी एक तो उनके एफ़र्ट्स में शेयरिंग हो जाती है, बेनिफिट में शेयरिंग हो जाती है, और उनकी जो वॉयस है वो रेज हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, जो कोऑपरेटिव यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है, तो इसका भी इसको भी आप रख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे, तो इतना ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कहाँ पे हैं। अब एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, मशरूम बी फार्मिंग, है ना, इसकी भी काफ़ी बात होती है।
तो जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट यूनिट लोकेटेड, तो तीन इसके डिपार्टमेंट यूनिट्स है, रामपुर, बजौरा एंड पालमपुर। तो रामपुर में, बजौरा में, पालमपुर में, और जो मशरूम सिटी है वो सोलत बोलते हैं इसको। तो बजौरा है कुल्लू में, रामपुर शिमला में है, और पालमपुर है जहाँ पालमपुर यूनिवर्सिटी भी है ना। तो ये तीन, इस तरह से क्वेश्चन भी, ये भी प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और अब एक ये ना बड़ी पुरानी स्कीम है, वैसे अभी इसकी इतनी रिलेवेंस है नहीं है, पर ये इकोनॉमिक सर्वे में चलती आती रहती है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर वेदर की वजह से कुछ खराबी आ जाती है तो उसको उसको लेकर आई है। तो पहले ये 6 ब्लॉक में इंप्लीमेंट करी थी, अब धीरे धीरे काफ़ी ब्लॉक्स में बढ़ा दी गई है और आगे, है ना। और एक स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर हिमाचल के अंदर इसका इसके इसके लिए फंड आया हुआ है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास ड्यूरिंग द ईयर 2021 फंड अमाउंटिंग 83.33 लाख हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन एलोकेटेड टू द फील्ड फंक्शनरी एंड द वर्क अंडर दिस प्रोग्राम। तो ऐसे यहाँ पे पैसे आते रहते हैं इतने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो इसका भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं, पर हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के क्या क्या कदम हैं। ये सारी क्रॉप बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, तो ये सारी स्कीम्स है यहाँ पे। और देखो अब एक स्कीम है यहाँ पे, स्कीम हिमाचल खुम विकास योजना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था तीन पार्ट है इसके, एक क्लाइमेटिक वाला करना, एक इसके स्कोप क्या क्या बन गया, और तीसरा गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। अब जैसे यहाँ पे एक स्कीम है खुम बोलते हैं उसको, मशरूम को लोकल लैंग्वेज में, तो इसी के नाम से है हिमाचल खुम विकास योजना। तो ये 21-22 में लॉन्च की है टू प्रमोट मशरूम कल्टीवेशन इन द स्टेट, बटन मशरूम कंपोस्ट यूनिट प्रोड्यूस। और अब देखो जो जो ज़्यादातर पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, इसके अंदर जो कंपोस्ट होता है, जो खाते बनाते हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो आपने सिर्फ स्कीम का नाम याद रखना कि किसके लिए और कब लॉन्च की गई है, और कई बार प्री में ज़्यादा सवाल बनता है इसका, और मेंस मैंने बता दिया वो कहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना, ये भी पुरानी स्कीम है पर ये सर्वे में चलती आ रही है। तो पुष्प क्रांति से नाम ही लगता है पता किसके लिए, ये फूलों के लिए, फ्लावर्स के लिए, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, और ये किसके लिए होगी, हनी के लिए। तो देखो एंसिलरी हॉर्टिकल्चर के लिए तीन स्कीम है, तो एंसिलरी तीन पार्ट को मिलकर बनता है बेसिकली। तो सबसे पहले मशरूम, इसके लिए खुम्ब वाली योजना है, और उसके बाद बनता है बी कीपिंग, उसके लिए भी है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, और फ्लावर के लिए क्या है, पुष्प क्रांति योजना है ना। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद को सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो आता है बेनिफिट, यहाँ पे 50% सब्सिडी दी जाती है फार्मर को कैरी आउट वेरियस हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़। तो अगर कोई हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ करना चाहता है इस स्कीम के अंदर, तो उसको 50% सब्सिडी मिल जाती है, या तो उसे कोई प्लांट लगाना होगा, या तो उसे कुछ कुछ ख़रीदना होगा, बट उस स्कीम के नाम से रहेगा तो उसको 50% यहाँ पे मिल जाए। तो फ्रूट्स के लिए है, वेजिटेबल्स के लिए है, तो ये सब के लिए हो जाता है। और जैसे हमने पहले पढ़ा था पॉली हाउस का तो है ही है, यहाँ पे पॉली हाउस में पहले 50% स्कीम थी, और अब 85% यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो पॉली हाउस का भी रहता ही है काम, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके अंदर भी जो भी फार्मर अपने खेत में लगा सकता है, जैसे कोई पानी का कनेक्शन लगा रहा है, कोई ड्रिप इरिगेशन लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है 50% देती है मार्जिनल फार्मर्स को, और उसके बाद मार्जिनल हो गया तो स्मॉल हो गया, और 45% देती है किसको, जो बिग फार्मर होती है। तो देखो बड़े फार्मर से लेकर छोटे फार्मर तक क्या है, इसके लिए सब्सिडाइज रेट पे इसमें स्कीम प्रोवाइड की जाती है। और देखो जितनी यहाँ से सेंटर से आ रही है 55% 45% की, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट 25% एडिशनल देती है, तो ये स्कीम कम से कम 80% तक चल जाती है। तो पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, है ना। तो अब ये यहाँ पे ये सारी स्कीमें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। अब ये स्कीम देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, अगर आप मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, सबसे पहले तो आप इसको यही डाइवर्सिफिकेशन में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ये डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो गवर्नमेंट के सारे ही ये स्कीम्स है। और अगर आता है एरियाज एंड स्कोप, तो उसमें आप सारा लिखोगे, चाहे एंसिलरी हॉर्टिकल्चर है, सिट्रिक फ्रूट्स है,
है ना, और भी बड़ी सारी चीज़ें जो हमने पीछे पड़ी है वो, और उसके बाद ये सारी स्कीम्स। और एक क्या आता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसके लिए सरकार क्या क्या कर चुकी है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ये भी पॉइंट बन जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहा सरकार, और उसके बाद एरियाज हिमाचल के पास क्या क्या है, उसके बाद मार्केट का क्या स्कोप है, और उसके बाद ये सारी स्कीम्स। तो ये भी आपका बना बनाया आंसर है सारा ये, तो ये भी इधर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो पेपर 3 में आपके पास एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ही है हिमाचल को लेकर, उसके लिए तो है ही है ये सारी स्कीमें। और नेक्स्ट है जी हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, तो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने क्या स्टार्ट किया है अभी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। और इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर क्या है, जो भी ये मेन क्रॉप्स है करीब 8 और 8.5 रुपये के हिसाब से रखी हुई है, और कुछ हाँ जैसे किन्नू वगैरह है इनके 7 रुपये है, तो ये आपको समझना है। तो ये हो गई मार्केट को लेकर। तो देखो अब मार्केट का एक एरिया पकड़ लिया आपने, अगर आपको मार्केट की एक स्कीम ही पता है ना तो भी चल जाएगा, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इससे भी काम बन जाएगा। उसके बाद अगला है इंफ्रा, कंप्लीट आंसर है इसमें अगर आप देखोगे तो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है ना, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर इसको हेल्दी करना है, क्योंकि इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है, सिर्फ खेत में पैदा हो गया बस उसके बाद काम खत्म हो गया। जब तक एक अच्छा इंफ्रा नहीं प्रोवाइड करेगा तब तक इसकी बात नहीं बनेगी। अब देखो अब ऑलरेडी क्या है, 5 CA स्टोर है, क्वेश्चन प्रीवियस बहुत बड़ी मुझसे पूछा चुका है वैसे भी, 5 जो CA स्टोर है वो है और उनको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। तो अब इनके नाम आपने याद करना है, टिक्कर जरोल टिक्कर है कोटगढ़ में शिमला डिस्ट्रिक्ट में, गुम्मा कोटखई ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ओडी कुमारसन ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, एंड पतलीकूल कुल्लू में है। तो ये सारे सी एस स्टोर आपको पता होने चाहिए, जरोल टिक्कर जो कोल्ड स्टोर बोल सकते हैं जिनको, जरोल टिक्कर ये कोटगढ़ में पड़ता है, गुम्मा कोटखई में है, ओडी कुमारसन में है, और कुल्लू में पतलीकूल वाला है। तो ये सारे यहाँ पे सी एस स्टोर हो गए, कंट्रोल्ड एटमोसफियर होता है, सी ए का मतलब होता है यहाँ पे कंट्रोल्ड एटमोसफियर। अब उसके बाद क्या है कि आप अपनी बुक जो आपके पास पीडीएफ है या बुक है, अब एक है यहाँ पे वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड रूम एट नदौन हमीरपुर में, तो वेजिटेबल को पैक करने के लिए और वहाँ पे एक कोल्ड स्टोर ये नदौन में है। एक और है पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकिंग ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्लावर एंड क्यूनरी हर्ब्स एंड हर्बेड, ये कहाँ पे है, गुम्हारवी, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो एक ही हो गया, ये इंफ्रा है। अब उसके बाद है इस इंफ्रा के साथ साथ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद क्या है जो फ्रूट है उसकी प्रोसेसिंग, मतलब बोल सकते हैं कि एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, तो प्रोसेसिंग के लिए क्या हो रहा है, पूरा देखो पूरा डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। डाइवर्सिफिकेशन तब तक बात करते हैं हम जब तक किसान के हाथ में पैसा नहीं आता, जब तक वो अपने प्रोड्यूस को कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो कैश क्रॉप तो उस पूरी एक चेन में, पहले वो देखो पहले हमने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पढ़ा, फिर इंश्योरेंस पढ़ी उसकी बचाव हुआ उसका है ना, और उसके नेक्स्ट क्या काम था उसका कि वो कहाँ का अपने को डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसके बाद मार्केट क्या रोल प्ले करेगी है ना, और उसके बाद उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है कि अगर उसको ग्रेडिंग करनी है पैकिंग करनी है स्टोरेज करना है ना, ये सारी एक चेन बन गई है यहाँ से आगे तक। और उसके बाद जो उसका ग्रेड पैक किया हुआ जो सामान है, अब उसमें से हम कुछ और भी निकाल सकते हैं आगे जो एंड प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, वैल्यू एडिशन चेन। तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब तक वो कस्टमर के पास कुछ इस तरह से जा कुछ और ही चीज़ ना बनकर चला जाता, जैसे एप्पल का जूस बन गया या एप्पल का कुछ और जो सिरकटाई बन गया और सभी चीज़ों का, तो जब वो वहाँ उस लेवल तक जाता है तो यहाँ पे एक शब्द क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन चेन। तो वैल्यू एडिशन चेन देखो इसमें भी क्या है, सबसे पहले आएगा इंफ्रा और फिर आएगा फ्रूट एंड फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए क्या हो रहा है इंफ्रा में, जैसे हमने बताया भी कहाँ कहाँ पे क्या लगा है, और ये अगला पार्ट क्या है प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। तो
अब ये सारा क्या बनता जा रहा है, किसानों के लिए एक नकदी का नकदी बनती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा, इनकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो अब यहाँ बोल सकते हैं हम कहाँ पे आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बात आ रही है इसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बात होती है। तो आ देखो जी, अब इसमें क्या है, एक तो है एप्पल जूस कंसनट्रेट करने के लिए एक प्लांट है, वो परमाणु में लग रहा है। और उसके बाद नीचे देखोगे आप, लिखोगे प्लांट वॉज सेटअप फॉर कमर्शियल प्रोड्यूस इन 19 एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल जूस कंसनट्रेट ड्यूरिंग 2020 एप्पल अरोमा वॉज प्रोड्यूस एट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट एट परमाणु, है ना। परमाणु तो सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्लांट भी है इंडिया का, परमाणु जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे जूस बनाने के लिए, जो एप्पल का जूस बना लिया, आप सीधा लिख लो यहाँ पे एप्पल जूस बनाने का जो प्लांट है वो परमाणु में है। और एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है जरोल सुंदरनगर में। ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन ड्यूरिंग वन कैलेंडर ईयर वॉज रिकॉर्डेड इन 19। तो यहाँ पे 2019 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी, तो ये भी याद रखना आपने जरोल वाला। उसके बाद है एप्पल साइडर एट EPP परमाणु। तो देखो परमाणु में ही है, जैसे सिर कटाई बनता ना उसके लिए भी है परमाणु में। और एक फ्रूट एंड रेड वाइन, ये जरोल में है फ्रूट एंड रेड वाइन। तो देखो अगर आप सही से देखोगे इसमें तो दो जगह पड़ रही है, एक परमाणु वाला एरिया पड़ रहा है और दूसरा जरोल वाला है। तो यहाँ पे ज़्यादा है इसको लेकर, फ्रूट को लेकर और साइडर को लेकर, तो ये ज़्यादातर काम यहाँ पर हो रहा है। और एक है SPMC हैज़ प्लान टू इन्हांस इट्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टोरेज एट परमाणु ऑफ डिफरेंट फ्रूट प्रोड्यूस इन द स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फंडेड HDB प्रोजेक्ट। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पैसा और भी कहाँ रहा है, कुछ और CS स्टोर है जरोल टिक्कर गुम्मा एंड रोडो, तो वहाँ पर भी काम हो रहा है इन पर। तो अब देखो बाहर से कहाँ से फंड आ रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहा है। तो ये देखो दो तीन जगह जो आपने ऊपर पढ़ी है, और फिर ये सुंदरनगर वाला हो गया, और ये रोड वाला हो गया, जरोल टिक्कर वाला हो गया। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पे CS स्टोर की बात हो रही है। और उसका ज़्यादातर जो प्लांट लगे हुए हैं वो कहाँ पे है, परमाणु में और जरोल में है। तो ये आ गया इंफ्रा, तो ये सारा है जी। तो आपने जो ज़्यादातर ध्यान रखना है किसका, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें इंफ्रा, फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंश्योरेंस स्कीम, और जो शुरुआत होती है उसकी वो कहाँ से होती है, जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है। अगर क्लाइमेटिक जोन है तो ही पॉसिबल है ये, अगर क्लाइमेटिक जोन नहीं होगा तो नहीं पॉसिबल होगा। और अब इसके ऊपर ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस है ना, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब दूसरा है कि ये भी इसी तरफ आता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम क्रॉप से क्रॉप की तरफ ही डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो एक स्कोप और है हिमाचल के पास, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ऊपर आएगा मिल्क, फिर एग, फिर मिल्क एग मीट, तो इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी आता है। तो और देखो अगर मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पर ग्राम में 19-20 में 612 थी और 20-21 में 630 हो गई है, तो ये हर साल बढ़ती जा रही है। तो एक आदमी के पास 630 ग्राम उसके पास मिल्क आ सकता है उसके अकाउंट में, अगर वैसे पर कैपिट इनकम के हिसाब से देखा जाए। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, तो एनिमल हस्बेंड्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल बोस्ट द रूरल इकॉनमी एंड सर्च फॉर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब किस पे बात करते हैं हम, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल पे, कैटल डेवलपमेंट, शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट वूल, पोल्ट्री डेवलपमेंट, फीड एंड फूड डेवलपमेंट, वेटनरी एजुकेशन एंड लाइफ स्टॉक सेंसस। तो इन सब के ऊपर काम होता है हिमाचल के में। तो एनिमल की हेल्थ के ऊपर होता है, डेवलपमेंट के होता है, ब्रीडिंग के ऊपर होता है ना, इवन बाद में क्या है यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेंसस है, उनकी प्रॉपर गिनती भी होती है कि कितने हैं हमारे पास। अब इसमें भी क्या है, इसका भी सेम है कि एक तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है और दूसरा गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है, तो जो तो क्लाइमेटिक कंडीशन ये बाकी चीज़ तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा ये होता है बजट में कि सरकार क्या क्या कर रही है, सरकार ने कौन कौन से स्कीम्स लेकर आई है। तो गवर्नमेंट शी ब्रीडिंग फार्म एट ज्यूरी शिमला में, ताल हमीरपुर में, करछम किन्नौर में। तो ये क्वेश्चन इतना पारी पूछा गया हिमाचल में कि इनमें से कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो एक है ज्यूरी में, एक है ताल में, एक है करछम में।
एक और भी है सरोल, इसमें लिखा नहीं होगा, वो चंबा में है ना, आपने एचपीजी की वाली बुक में पढ़ा होगा। तो ये सारे क्या यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है। अब उन शीप ब्रीडिंग में क्या है कि दो जो वैरायटी है, एक तो है मेरिनो शीप, ये रशिया की है, और अमेरिका की है अमेरिकन है रैम बुलेट शीप। तो मेरिनो शीप, रैम बुलेट। तो कई बार प्री में बनता है क्वेश्चन, मेरिनो और रैम बुलेट क्या है, ये दोनों शीप है, बार की है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है लोकल शीप के साथ, तो इन इन सेंटर में जाके। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो 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 शीप्स होती है उनकी क्या होगी, एक वैरायटी बढ़ जाएगी, तो इससे भी लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब उसी तरह से एंगोरा, कई बार ये क्वेश्चन होता है एंगोरा क्या, ये रैबिट है, इसकी फार्म कहाँ है, कंदवारी कांगड़ा में और नगवाई मंडी में। तो दो दो इसकी ये है, दो प्लांट इसके, एक कंदवारी में है और एक नगवाई में, दोनों। ये देखो ये हमेशा याद रखा करो आप प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। और उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल और क्रॉस ब्रीडिंग विद, अब जो इंडिजीनियस है उनके साथ किसके साथ कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग, जर्सी एंड होल्स्टन्स, और जो बफेलो है कौन, जो जो बुल होगा वो होगा मुर्राल, तो ये भी बफेलो का टाइप है। तो ये सारे यहाँ पे, तो डी फ्रोजन सेमन की बात भी की जाती है यहाँ पे, और बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, और भी बतेरी सारी है। अब यहाँ पे ना एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है, एक याक ब्रीडिंग फार्म है, और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, याक ब्रीडिंग फार्म दोनों ही है लारी में। तो लारी कहाँ पे, स्पीति में, तो वहाँ पे याक भी होता है और हॉर्स भी होते छोटे छोटे इसके हाइट के। तो इन दोनों के जो ब्रीडिंग फार्म है वो दोनों लारी में है जो कि स्पीति में है। तो ये भी आपको प्रे के लिए ज़्यादा याद रखना है। नेक्स्ट है जी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स दूध गंगा। ये बड़ी ऐसी पुरानी स्कीम है, 2009 से चल रही है, और एक क्वेश्चन प्री में भी आता है और मेंस में भी, आप मेंस में क्या पता कई बार अपने आप ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, अलग से आ जाए चार नंबर का, और हो सकता है आप इसको ऐड कर सकते हो कहीं पे अपनी तरफ से। तो अब इसमें क्या है कि दूध गंगा योजना नबार्ड की हेल्प से लगी थी ये, और 25 सितंबर 2009 को ये क्वेश्चन, एक साल क्वेश्चन ये आया था कि किसने लगाया, कौन इसको हेल्प कर रहा है, और एक साल क्वेश्चन ये आया था कि किसकी हेल्प, कितने टाइम का लगा, तो उसकी डेट पूछी थी प्रॉपर 25 सितंबर 2009। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा है। अब इसके अंदर क्या है, जो दूध गंगा योजना है इसमें सरकार ये बेनिफिट दे रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करना है, कि अगर कोई इंसान दूध गंगा योजना के अंदर कुछ गाय लेने के लिए सरकार से पैसा ले सकता है लोन, तो सरकार उसको देती है, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि चलो अब गाय तो मैंने ले ली, अब एक काम करता हूँ छोटा सा चिलिंग प्लांट लगाता हूँ, उसके लिए पैसा मिलता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा मिलता है, है ना, उसके बाद कोल्ड स्टोर के लिए पैसा मिलता है। जितना बड़ा जिसने अपना बिजनेस सेटअप करना है उतना सरकार देती है। तो इसमें देखते हैं हम, पहले ही 6 लाख से सब्सिडी स्टार्ट होती है यहाँ पे, अगर किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट चलाना होगा जिसमें से कितनी है 33.33% फॉर द, अच्छा ये तो वो है 33 लाख, तो 33 लाख, तो 6 लाख से लेकर 33 लाख का यहाँ पे प्रोविज़न है। तो सबसे पहले 6 लाख में क्या है कि 2 से 10 मिल्चिंग एनिमल्स लेगा, और इसमें 6 लाख तक लोन मिलेगा, और जिसको 20 लाख चाहिए उसको मशीन और बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट ले सकता है उसके लिए, और जिसको 13 लाख का चाहिए उसको डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मिलेंगे कि डेयरी को जो भी बनाते हैं उसके लिए, और जिसको 26 लाख चाहिए उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इसमें थोड़ा कोल्ड, इसमें कोल्ड स्टोर टाइप ही होता है वो भी, उसके बाद लास्ट है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, तो उसको 33 लाख का लोन मिल जाएगा। तो इसमें अगर आपको देखो प्री के में तो ऐसे तो बीच में से तो अभी तक पूछा नहीं है, बट मेंस में आपको पता होना चाहिए कि 6 लाख मिनिमम से लेकर 33 लाख तक इसमें सब्सिडी मिल सकती है। और उसके बाद है पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, ये प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा जनरल कैटेगरी के लिए 25% और 33% फॉर द फार्मर फॉर एससी एंड एसटी। तो ये भी आप एससी और एसटी के लिए, क्योंकि आपको सिलेबस में है, और एससी और एसटी के लिए सरकार एक्स्ट्रा क्या प्रोविजन उठाती है, तो उसमें आप लिख सकते हो दूध गंगा योजना के अंदर एससी एसटी के लिए 33% की यहाँ पर क्या है सब्सिडी है। अपार्ट फ्रॉम द अबव स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एडिशनल सब्सिडी ऑफ 10% फॉर परचेज ऑफ क्रॉस ब्रीड जर्सी काउ। अगर कोई क्रॉस ब्रीड जर्सी का खरीदता है उसके लिए अलग से 10% सब्सिडी मिल जाएगी यहाँ पे।
और 20% फॉर द परचेज ऑफ इंडिजिनियस काउ। और अगर कोई कोई अपनी जो घरेलू गाय खरीदता है उसके लिए और ज़्यादा स्कीम दी जाएगी, क्योंकि सरकार क्या करे, जैसे आजकल गोकुल मिशन वाला जो प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो अपने जो इंडिजिनियस काउ है, खुद की जो ब्रीड है, उनको पैदा करो और या तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराओ। ऐसा ना हो जाए कि हमारी खुद वाली जो इंडिजिनियस ब्रीड है वो ख़त्म हो जाए, तो एटलीस्ट या तो प्योर हो। प्योर में ये होता है कि उसकी जो, अगर प्योर रखे गए तो उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो इसलिए बेहतर है कि उसके क्या करवा दो, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उसको थोड़ा अपग्रेड कर दो। तो ना इसलिए सरकार आगे भी पड़ेगा, इसमें दो तीन एक स्कीम है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती, तो वो भी इंडिविजुअल एक स्कीम पूछी जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो ये गाय के ऊपर जो हम कर रहे हैं काम, तो इसके लिए इसी नेशनल लेवल की स्कीम है और ना स्टेट में भी है। अब नेक्स्ट है जी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। देखो तो अब अगर मान लो एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप दूध के ऊपर बात करेंगे, फिर पोल्ट्री के ऊपर बात करेंगे, फिर फिशरी के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो ये सारा एनिमल हस्बेंड्री का टाइप्स है। तो अब यहाँ पे क्या, 3 वीक ओल्ड लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स। तो लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड का मतलब क्या होता है कि जो कम पैसे लगा के तैयार हो जाते हैं और मल्टी कलर होते हैं इनके, कुछ इस तरह से होता है, और थोड़े टाइम इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या होता है फिर जो लोगों के जो इनकम का स्कोर है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक स्कीम है 200 चिक स्कीम। अब इसमें क्या होगा, इस चिक स्कीम के अंदर क्या होगा, सरकार ने 585 पोल्ट्री ब्रीडर बांटने हैं। तो इसमें इस स्कीम के अंदर क्या दिया जाएगा, पोल्ट्री ब्रीडर्स बिलोंगिंग टू BPL फैमिलीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद इनपुट्स। तो इनको ये पोल्ट्री ब्रीडर प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग अपग्रेडेशन पोल्ट्री मैनेजमेंट, और साथ में क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो एक तो ये स्कीम हो गई, उसके बाद है हिम कुकुट प्लान योजना। तो हिम कुकुट या मुर्गे को बोला गया है, तो इसके अंदर भी क्या है, देर इज ए प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 54 पोल्ट्री यूनिट इन द स्टेट। तो 54 यूनिट्स लगानी है, द बेनिफिशरी आर प्रोवाइडेड 60% ऑफ सब्सिडी। तो यहाँ पर सब्सिडी याद रखना है, बोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन, तो इसमें मिल जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, इन स्कीम का वैसे सरकार बेनिफिट देना चाहती है, बट होता क्या है कई बार ये स्कीमें लोग लेते नहीं है ना, कहीं कहीं तो लग जाती है, कहीं कहीं नहीं लगती है स्कीमें। तो इसलिए अब यहाँ पर याद रखना, 60% क्या है, सब्सिडी है, ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या, दिस स्कीम 200 बेनिफिशियरी आर टू बी प्रोवाइडेड विथ 404 वीक ओल्ड LIT बर्ड एंड असिस्टेंस ऑफ 15,000 विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरी फॉर प्रोविजन ऑफ शेल्टर फीड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। तो इसके अंदर क्या है, सरकार असिस्टेंस भी दे रही है 15,000 का, और साथ में इनको जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं वो भी दी जाते हैं, तो इनके नाम याद रख लो। और देखो अब ये स्कीमें होती है, कोई लोग इनको अवेल करते, पर ज़्यादातर जो अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे, जो पढ़ा लिखा जो यूथ होगा शायद वो इस तरफ जाएगा नहीं, है ना। और अब धीरे धीरे एक बात इतनी हो रही है कि लोग इस तरफ जाने लग गए हुए हैं। देखो जो ये एनिमल हस्बेंड्री के काम में बहुत सारे लोग अब पढ़ लिख के भी जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिट यहाँ पे ये है कि एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सब्सिडी स्कीमें मिल रही है, और अगर वो चाहेगा तो क्या करेगा, अपने लेवल पर बड़ा काम कर सकता है। बट अगर कोई सिर्फ इसलिए काम करना चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट की स्कीम को लेना है, तो उसमें तो उसका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। बट अगर कोई इस इंटेंशन के साथ जाना चाहता है इन कामों में, जिसको ये लगता है कि नहीं मुझे करना है ये काम, मुझे करना चाहिए, तो वो अच्छा ग्रो भी कर जाता है इनमें कई बारी, है ना। बट मेजॉरिटी में क्या है, यहाँ पे लोग जाने का मन नहीं होता उनका। सर व्हाट अबाउट द सब्सिडी इन दूध गंगा योजना। दूध गंगा योजना में बताया ना, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 25% है और SC ST के लिए 33% है। अगर 6 लाख वाली स्कीम लेनी चाहे, 12 लाख वाली लेनी, 20 लाख लेनी, लास्ट जो बड़ी स्कीम है वो 33 लाख वाली स्कीम है। तो छोटे से छोटे स्कीम 6 लाख वाली और बड़े से बड़े स्कीम हुआ 33 लाख वाली स्कीम है। तो ये इसमें 25% जनरल कैटेगरी के लिए था, 33% किसके लिए है, SC और ST के लिए है। और तो ये सारी स्कीमें हो गई इस तरह से। अब देखो एक बड़ी
राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये राष्ट्रीय, अब ये गोकुल मिशन है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि 4 नंबर का या 8 नंबर क्वेश्चन वैसे आ जाए। तो इसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स है आपको जो पता होने चाहिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी इज इम्प्लीमेंटेड, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले जी इंडिजीनियस ब्रीड, कि हमने इंडिजीनियस ब्रीड को प्योरली या उसको क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा बना के रखना है। तो इसमें 2 नाम है जो आपको वैसे पता होने चाहिए, साहिवाल एंड रेड सिंधी। साहिवाल एंड रेड सिंधी ये 2 ब्रीड है, और इनके थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से भी काम किया जा रहा है इसके ऊपर पालमपुर में। तो पहला पॉइंट तो है ये, और उसके बाद है इम्प्रूव देयर जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक। तो जेनेटिक मेकअप भी ऐसे इम्प्रूव होगा जब वो कुछ मॉडिफिकेशन होगी, और इन्हांसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन भी तभी होगी जब इसके उधर कुछ मॉडिफिकेशन होगी। इंडिजीनियस ब्रीड साहिवाल एंड रेड सिंधी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेट्रिक बुल्स, तो अब जो जिनके साथ ब्रीडिंग करवानी है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोकुल विलेज, और साथ में क्या हो गया, गोकुल विलेज हो गए, और मुरा बफेलो फार्म भी लगने हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी होगा इस पर। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है आपको पता होने चाहिए। तो ये सारा क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसके तहत है ये, और साथ में गोकुल विलेज भी है। और हिमाचल में ये स्कीम बड़ी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रखी है, बल्कि हिमाचल में क्या है कि इस स्कीम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सेस भी लगाती है, अगर आपने सुना होगा पढ़ा होगा। तो इसके लिए सेस का प्रोविज़न भी है जो टैक्स के साथ एक टैक्स वो लगता है। उसके बाद है जी जर्सी पीटी प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शनड सम ऑफ प्रोडक्टिंग हाई जेनेटिक मेरिट जर्सी बुल थ्रू प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम। तो इसका इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट ये कि आप जान सकते हो कि यहाँ पे कांगड़ा में है बस ये। और उसके बाद है नेशनल, अगली जो स्कीम है वो है नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो सीमन है वो आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाना। तो अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि लोगों को अवेयर कर रही है, और लोगों के घरों तक पहुंचा रही है उसको, है ना, जैसे जो भी वेटरनरी के डॉक्टर वगैरह खुद ही जाके इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम क्या है, नेशनल वाइड AI प्रोग्राम है ये भी हमारी जो इस तरह की जो लाइफ स्टॉक है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की बात करता है यहाँ पे, है ना। ये इतनी इफ़ेक्टिव है तो इसमें सरकार खर्च भी कर रही है। 100% सेंट्रल असिस्टेंस पे पैटर्न पे है ये। तो प्रोवाइडिंग गुड स्टेप रिलायबल ब्रीड्स, बर्थ ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर ब्रीड्स, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन टू एडुकेट द फार्मर टू अडॉप्ट AI टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द फार्म इनकम। तो अब ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब देखो ना, अगर हमने जो टारगेट रखा हुआ है ना, फार्मर की इनकम नेशनल लेवल पर 2022 तक डबल करनी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब डाइवर्सिफिकेशन होगी इन इन सभी एरिया में, और जब ये सारी चीज़ें उनको मिलेगी, और सरकार कर भी रही है इसके लिए। अब ये पता नहीं कि ग्राउंड लेवल पर इसका कितना बेनिफिट लोगों को मिलता है, है ना। और एक है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये नेशनल लेवल पर है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 14-15। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स, दैट शीप बीट शीप गोट के लिए, इन सब के लिए है ये। नेक्स्ट है जी असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। तो जो स्टेट को सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हेल्प करती है कि जैसे उनका जो वैक्सीनेशन वगैरह जो होती है उनकी डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हेल्प करती है। अब है जी शेफर्ड स्कीम। अब इसे मैंने बताया आपको पहले भी, तो रैम बुलेट एंड रशियन मेरिनो। तो रैम बुलेट है यूएसए की, रशियन मेरिनो है हिंदुस्तान इसकी रशिया की। तो इनके साथ जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसको सरकार काफ़ी महत्व दे। उसके बाद है BPL कृषक बकरी पालन योजना। तो BPL लोगों को बोल दे कि आप बकरी पालन के लिए आपको स्कीम दी जाएगी। तो इसमें भी क्या है, बकरी पालन जो जितनी लेनी है इसमें सब्सिडी याद रखना, इसमें लिखी नहीं होगी, इसमें है 60% सब्सिडी पे है ये भी। तो अभी तक हमने जो वो मुर्गी पालन वाला भी 60% सब्सिडी पे है, ये भी 60% सब्सिडी पे है। अब इसमें जितने भी दिए जाएंगे, और अगर किसी को 11 या 11 9 8 2 ऐसे दिए जाएंगे, तो जिसमें से 11 में क्या है 10 फीमेल और 1 मेल, तो ये 4 10 बकरियाँ 1 बकरा,
और उसी तरह से अगर किसी को तीन चाहिए तो दो फीमेल एक मेल, तो इस तरह से ये सारा। अब यहाँ पे कुछ ब्रीड के नाम दे रखे हैं, तो बकरी में ब्रीड कौन सी है, बिटलस सिरोही और जमुनापारी, वाइट हिमालयन ब्रीड। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना अभी एक दो साल से नहीं पूछे जा रहे, बट पीछे बहुत ट्रेंड थी क्वेश्चन का कि वो लिखते थे ये तीन चार नाम लिख लेंगे कि ये जमुनापारी क्या है या ये क्या चीज़ है, नीचे लिख लेंगे कि दीज आर टाइप ऑफ, तो काओ कुछ और लिख लेंगे दो तीन ऑप्शन जो भी है। तो ये किसकी ऑप्शन होगी, बकरी पालन वालों की होगी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कृषि के लिए ही है, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है, तो उसमें भी लाइव स्टॉक की हेल्थ वगैरह की बात की गई है, तो ये भी सेंट्रल स्कीम है, ये भी हिमाचल में चलती है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, तो ये जो सर्वे है ये भी नेशनल लेवल की स्कीम है। तो एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली करता है इसका, जो 1779 से लगा है, टू एस्टिमेट द सीजन वाइज एनिमल मिल्क एग वूल एंड प्रोडक्शन, इसका एस्टिमेट लगाता है, टू वर्कआउट एवरेज पॉपुलेशन एल्ड एंड एस्टिमेट, टू एस्टिमेट ड्रग प्रोडक्शन, तो ये सारे जितने भी से दिए रखे हैं, टू वर्कआउट एवरेज फीड फूड एवरेज कंजप्शन, टू स्टडी ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन एल्ड एंड प्रोडक्शन, तो ये सारा यहाँ पे सर्वे की बात हुई है। अब ये तो हो गई एनिमल हस्बेंड्री इसके ऊपर, उसके बाद है मिल्क से लेकर किस तरह की इंडस्ट्री लग रखी है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रखा है ना, और सरकार और इसमें क्या स्टेप्स उठा रही है। तो और देखो अब हिमाचल में जो मिल्क के लिए जो काम कर रही है, एक अपने आप में एक सरकारी कंपनी समझ लीजिए, वो है मिल्क फेड, जैसे हिम फेड है ना वैसे मिल्क फेड है। तो मिल्क फेड क्या, मिल्क फेड मिलके किसके साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और वुमेन डेयरी जो कोऑपरेटिव्स होती हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जैसे अब अगर आप देखोगे ना, जैसे अमूल है, तो अमूल भी तो अपने आप में कोऑपरेटिव था है ना, जो कुरियन था, तो उन्होंने गुजरात में जाकर क्या किया कि एक कोऑपरेटिव किस तरह से बनाई, जो भी वहाँ पर गाँव के नज़दीक गाँव के जो लोग थे खासकर वुमेन, उनको बोला कि आप अपना दूध हमें दे दो है ना, और तुम्हारी एक कोऑपरेटिव होगी और हम उस दूध को क्या करेंगे, उसकी उसको या तो आगे बेच देंगे या तो उसको वैल्यू जो जो एडिशन की जो चेन है उसमें डाल देंगे, तो उसका पैक्ड करके मिल्क बना दिया, उसका पनीर बना दिया, लस्सी बना दिया। तो अब यहाँ पे जो अमूल का जो आइडिया था है ना, जो आई थिंक बार्गेस कुरियन नाम था, तो उनका आइडिया ये नहीं था कि मैंने एक इंडस्ट्री बनानी है, मैंने एक कंपनी बनानी है। तो देखो दो तरह के आइडिया होते हैं, अगर वो चाहते कि अपनी कंपनी से एस्टेब्लिश करते और कंपनी में क्या करते, उनको दूध ले लेते उनका और ख़रीदते दूध और फिर अपने हिसाब से बेच लेते। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ना बना के अपने आप को अकेले ना एम्पावर करके, जो वहाँ उस एरिया के जो लोग थे उनको एम्पावर करने की सोची। तो उनको क्या करें, उनको बोल दे कि तुम भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट हो, तो तुम अपना सामान लेके आइए और हम इसको बड़े लेवल पर बनाते रहेंगे। तो वो कोऑपरेटिव बढ़ती गई और बाद में उसमें बहुत सारे लोग जुड़ा गया है ना, उसको उसको वही फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलता है, और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, दूध को लेकर। तो उसके बाद फिर बहुत सारी कोऑपरेटिव बनी। तो हिमाचल में भी इस तरह में क्या है, इनफेड जो मिल्क फेड है वो उसी लाइन पे है, तो उसमें फिर और भी है, और ज़्यादातर इसमें कौन इन्वॉल्व रहते हैं, वुमेन रहते हैं इसमें, तो ये वुमेन एम्पावर वाला पार्ट भी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2015 वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव आर ऑल्सो फंक्शनिंग। तो और देखो जो सरप्लस मिल्क होता है लोगों के घरों में, तो उसको ये कलेक्ट करता है। तो और देखो वन मिल्क पाउडर प्लांट 5 मेट्रिक टन पर डे एट दत्त नगर शिमला में लग रहा है जी। तो ये और देखो ये इंफ्रा में भी आ गया, प्रोसेसिंग में आ गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, तो छोटी इंडस्ट्री में आ गया है ना, तो कितने एरिए कवर करा है, डाइवर्सिफिकेशन में आ गया। तो मिल्क फैट 5 मेट्रिक टन पर डे दत्तनगर में, तो ये प्रिय क्वेश्चन बनता है। और एक है, एक और है भोर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, ये किसके लिए, कैटल फीड प्लांट, तो ये भोर में लग रहा है कैटल फीड प्लांट। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। द एवरेज मिल्क प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट इज़ अबाउट 1,30,000 liters पर डे फ्रॉम द विलेज, तो इतना ज़्यादा फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना है। और अब क्या है कि हिमाचल जो भी प्रोडक्ट बनाता है अपनी तरफ से इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से, तो उसके पीछे जो एक उसको जो टैग लगा रखा है वो है हिम, तो हिम के नाम से जो ब्रांड नेम है
मेल प्रोडक्ट का वो हिम है ना। तो अब इसमें क्या, हिमाचल प्रदेश मिल्क थ्रेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग पंजीरी, पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, चक्कर या चक्कर मंडी वाले, चक्कर मंडी में शिमला में। तो पंजीरी क्या होते हैं, जैसे लड्डू होते हैं ना लड्डू, तो वैसे कुछ बनते हैं, उसमें मिल्क वगैरह जो भी मिलाया जाता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के उसको तैयार करता है। तो वो उसका जो प्लांट है वो चक्कर में है मंडी में। और उसके बाद क्या है, फोर्टिफाइड बेकरी बिस्किट्स एंड वीट सेविया टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक बात होती है फोर्टिफिकेशन। अब देखो जैसे न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन होता है, तो अब कुछ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका होना ज़रूरी है। तो अब जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको किस तरह से देंगे, फोर्टिफिकेशन द्वारा। तो फोर्टिफिकेशन में क्या होगा कि जो जैसे नमक है, नमक के अंदर कुछ डाल दिया, और चीनी है उसके कुछ, वीट है उसके अंदर डाल दिया कुछ, सेमी है उसके अंदर कुछ डाल दिया, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें ऐड कर दिए। तो उसको जो ऐड करने वाला जो तरीका होता है उसको फोर्टिफिकेशन बोलता है। तो अगर देखो इंडिया में क्या है, चाहे हिमाचल में है, अगर कुछ चीज़ें ठीक करनी है यहाँ पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम ठीक करनी है जिससे जो ग्रोथ है बच्चों की वो सही हो जाए, तो उसके लिए एक तरीका क्या है, फोर्टिफिकेशन। तो इसलिए फोर्टिफिकेशन पर क्या बनाते हैं, बेकरी बिस्किट एंड वेट के जो सेमियाँ वो दी जाती है वुमेन को, चिल्ड्रन को, ताकि जो उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़े। तो ना इन्फेंट मॉडरेट रेट हो, ना ही मदर मॉडरेट रेट ज़्यादा बढ़े। तो ये सारा ये काम है यहाँ पे, प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। अब उसके बाद क्या, इन्फेंट वर एस्टेब्लिशेड 50,000 लीटर पर डे कैपेसिटी मिल्क दत्तनगर। तो 50,000 लीटर की उसकी कैपेसिटी है, तो वो दत्तनगर शिमला में लगा हुआ है। और एक नया प्लांट और लग रहा है, वो चक्कर डिस्ट्रिक्ट मंडी में लग रहा है। और प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वेट पास्ता एंड न्यूट्रिशन ड्रिंक इन चॉकलेट फ्लेवर इन आंगनवाड़ी। तो वेट का पास्ता बनाया जाएगा, न्यूट्रिशन ड्रिंक की बात की गई है, तो ये भी है। अब देखो ना, अब एक चीज़ और भी है, वो आपके सिलेबस में पेपर टू में है, चिल्ड्रन राइट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स। तो अगर हम राइट्स की बात करेंगे, राइट्स का मतलब एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन एक राइट होता है। तो अगर हम राइट्स की बात करेंगे तो राइट्स चाहे उनके इवन फूड का भी एक राइट है, फूड का है, राइट का है, एजुकेशन का है, और राइट या फ्रीडम फ्रॉम रिलीज, फ्रीडम फ्रॉम लेबर है ना। तो ये सारे राइट्स हैं। तो अब जो सबसे बड़ा फूड का राइट है उसको सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है, चाहे फोर्टिफिकेशन है और चाहे वीट एंड पास्ता न्यूट्रिशन बनाया जा रहा है। तो ये सारा किसमें है, तो उनकी हेल्थ के लिए और उनके राइट्स की बात भी होती है यहाँ पे। तो अगर हेल्थ के ऊपर है तो हेल्थ से लिख लो, अगर राइट है तो उनका राइट के हिसाब से लिखो। तो लॉन्च्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध। अब एक इम्यूनिटी बूस्टिंग है, अब कोरोना का टाइम तो लोगों को लगा कि इम्यूनिटी को ही बूस्ट करो, तो उसके लिए एक और नाम दे दिया, बना दिया हिम हल्दी दूध। तो दूध में हल्दी मिला के उन्होंने पहले तैयार कर दिया पैकिंग में, तो वो दे दिया जी। तो अब ये सारा क्या आ गया, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका भी सेम है, एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा नेचुरल क्या है, उसके बाद हम स्कीम क्या कर, सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कहाँ तक ले जा रहा है, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ तक ली जा रही है, और कौन कौन इसके बेनिफिशरी है। तो इसके आपके सारे ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट है जी फिश एंड एक्वाकल्चर। इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। अब हिमाचल में फिर दोबारा से क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की, और यहाँ की जो पेरेनियल रिवर्स है, और रिवर्स कौन से यहाँ पे, जो बहती हुई रिवर है, ठंडे पानी की रिवर है, क्लीन है, साफ़ है। तो उन रिवर के पास क्या है कि एक स्कोप है जो कि इस तरह की फ़िश प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ पे, जो कि एक रनिंग वाटर में, क्लीन वाटर में पैदा होती है, और वो भी ठंडा पानी। तो उसमें लीजिए सबसे फेमस कौन सी है, ट्रॉट फिश है ना, तो जो कि यहाँ की बड़ी स्पेशल होती है यहाँ पे, और एग्जॉटिक भी है। एग्जॉटिक मतलब जो ऐसी बाहर से ला गई है ना, एग्जॉटिक ये ऐसा नहीं कि यहाँ की इंडिजीनियस है कि यहीं पे पैदा हुई थी, तो ये एग्जॉटिक है। देखो ना वैसे इन्वायरमेंट में एग्जॉटिक स्पीशीज़ पर देखा, बड़ी क्या होता है, कुछ एग्जॉटिक मछलियाँ, कुछ एग्जॉटिक प्लांट तो ठीक रहता है, बट कुछ ख़राब ही हो जाते हैं। जैसे कि मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है कि अफ्रीका में एक फ़िश इंट्रोड्यूस करी थी, वो लेक में डाल दी, तो बाद में पता चला कि वो तो वहाँ की कम से कम 4 तरह की फ़िश खा गई, वो एक्सटेंट हो गई, वहाँ से ख़त्म ही कर दी उसने। और वैसे किसी, आपने देखो ना प्लांट होता है एक है ना,
लंटन अगर को जैसा आजकल वहाँ जिसको फूल सा लगता है वो भी एग्जॉटिक है, जब वो प्लांट आ जाता है किसी के खेत में तो वहाँ पे वो वाइट वाइट और पीले पीले फूल से फैल जाते हैं, तो बाकी जो स्पीशीज होती है ना वहाँ पे ग्रास की वो सारी ख़त्म हो जाती है। हाँ लंटन ही है। तो एग्जॉटिक जो एग्जॉटिक होता है ना वो कई बार तो ठीक बैठ जाते हैं और कई बार वो वहाँ पे पूरी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, है ना। तो लकीली क्या जो ट्रॉट एग्जॉटिक स्पीशी ट्रॉट है तो उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन गिफ्टेड बाय मदर नेचर बाय रिवर इमिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स विच थ्रेबन थ्रू हिली टेरेन एंड फाइनली रिच इन रिच द सेमी प्लेन। तो ये ऑक्सीजन रिच वाटर होता है इसके पास, तो ब्यास सतलुज रावी सभी के पास ये पोटेंशियल है। और कोल्ड वाटर फिश फौना सच एज शिज़ोथोरैक्स एंड गोल्डन मशीर एंड एग्जॉटिक ट्रॉट, ये सारे इसमें कोल्ड पानी में आता है ये, है ना। और ये जो काप्स है ये भी एक बड़ी मछली होती है ट्रॉट की तरह, ये भी ऐसी होती है, काप्स की भी बात होती है यहाँ पे, इसको भी लाया गया है तो इसके भी यहाँ पे सीड डाला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो है यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज़, ये है गोविंद सागर एंड पोंग डैम है। तो गोविंद सागर इस बार वाला सर्वे में तो नहीं दिया हुआ है पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर पर एरिया जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है हिमाचल में क्या इंडिया में वो है गोविंद सागर की, और अगर उसकी वैल्यू देखेंगे पैसे कमाने की वैल्यू से पर एरिया तो वो है पोंग डैम में, है ना। तो ये ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा वैल्यू देती है मनी में। बट हाँ ये ट्रॉट भी हो सकते हैं, बट ट्रॉट का क्या है ऐसे कोई भी तो चलते पानी में बहते पानी में होती है तो इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते, वैसे ही ज़्यादा महंगी है। तो इसमें कुछ और भी दे रखा होगा फिगर्स वगैरह देख लेना आप। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हैज़ कंस्ट्रक्टेड द काप एज वेल एज ट्रॉट सीड प्लांटेशन फार्म इन द स्टेट टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्वायर रूरल पॉन्ड्स एंड कमर्शियल फार्म्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारे इस तरह के फिंगरलिंग्स ऑफ द साइज 70 एंड अबव आर कॉमन कार्प्स। तो ये फिंगरलिंग जो नाम है ये भी कार्प्स का नाम है। द सेम साइज IMC एंड रेनबो ब्राउन ट्रॉट, तो ये ट्रॉट है। तो इवन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर भी रखा गया इसको। तो देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इवन एनिमल हस्बेंड्री सभी है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को एक अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। और इसका जो मेन मकसद है कि आगे जाके अगर ये सारे सही से बैठेगा तो आगे जाके क्या होगा कि जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है और जो हमारा टारगेट है उनकी इनकम को डबल करना वो भी फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी वेलफेयर ऑफ स्कीम्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फिशरमैन। अब ऐसा है कि अगर सभी के लिए कुछ ना कुछ सरकार कर रही है तो फिशरमैन के लिए कुछ करना चाहिए, इनको भी एक इस तरह से इस कैटेगरी में देखना चाहिए क्योंकि इनका भी एक परमानेंट ऑक्यूपेशन है, ये भी एक क्लास है जो अपने बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है ना। तो फिशरमैन के लिए सबसे पहले क्या इंश्योरेंस स्कीम है, तो 5 लाख तक की इन केस ऑफ डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी तक की दी जाती है, एंड इवन लॉसेज ऑफ दियर गियर एंड क्राफ्ट आर ऑल्सो बींग बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ अंडर रिस्क फंड स्कीम। तो अगर जो उनका और भी जो उनके होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको वो यूज़ करते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूटरी सेविंग स्कीम। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी सेविंग स्कीम क्या होती है, जैसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट वो करेंगे कुछ सरकार करेगी और उनका जो पैसा उसके खाते में चला जाएगा और बाद में उसको मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम भी है यहाँ पे। और उसी तरह से ट्रॉट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, जो ट्रॉट को पालते हैं अगर उनको भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए स्कीम है। टू एंड प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवर टू लाइफ स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स इन द स्टेट, और इसकी जो प्रीमियम होगा वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच बढ़ेगा, सेंटर देगा 65%, स्टेट देगा 35%। तो 65% एंड 35% की यहाँ पे रेशो इसकी रहेगी। नेक्स्ट है अ टोटल नंबर ऑफ 317 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर जनरेटेड इन फिश डिपार्टमेंट स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई है, तो इसका स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ना जब आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल के अंदर क्या स्टेटस है, 8 नंबर का आ सकता है उसका एक्वाकल्चर का, और सरकार ने क्या क्या स्कीमें लाई है, तो उस टाइम ना इतना भी अगर आपको याद है ना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो भी चल जाता है काम। क्योंकि देखो ना मेंस के लिए हम सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते कि आपको लगे कि हमें तो सारा ही याद रखना है ना,
हाँ प्री के लिए ऐसा है कि अगर आप अभी पढ़ लिया आपने और साथ साथ रिवाइज़ करोगे और पेपर से कुछ दिन पहले या दो या एक दिन पहले ही पूरे सर्वे को रिवाइज़ कर लो तो बहुत है ना। और मेंस के लिए आपको मेन मेन बातें याद रहनी चाहिए। अब नीचे है जी, उसके बाद क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट देयर टोटल सेंक्शन सेंटर शेयर हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड, तो इसमें 300 लाख की बात की गई है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ बताई गई है कि अब ये जितने भी ये है ना, तो इतना कोई याद रख नहीं पाएगा। तो अब आपने मोटा मोटा देखना है कि किसके लिए पैसा आया है। क्योक्शिन प्राइवेट सेक्टर, तो शिक्स फिश क्योक्सिक्स, तो उनके लिए कुछ इस तरह से पॉन्ट टाइप बनाना, ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए है। वन बैकयार्ड ऑर्नामेंटल फिश यूनिट इन प्राइवेट, ये भी है। वन मीडियम साइज़ ऑर्नामेंट फिश यूनिट, अब ऐसा रख लो क्या कुछ ऐसा नाम होता है, मीडियम साइज़ ऑर्नामेंट फिश यूनिट। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 मीडियम साइज़ बायोफ्लॉक करके, ये भी कुछ शब्द आप खुद सर्च कर लें क्या होता है। और परचेज ऑफ इंसुलेटेड व्हीकल्स, तो उनके व्हीकल्स होते हैं जो उनको कैरी करने के लिए। और 20 मोटरसाइकिल है ना, 6 मीडियम साइज़ फिश फीड मिल्स, उनको जो फीड खाना बनता है उसके लिए मिल्स की बात की गई है। और बायोफ्लॉक फिश पॉन्ड यूनिट, स्मॉल बायोफ्लॉक फिश टैंक्स है ना, ट्रॉट फिश रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ आपको याद रहेगी जो जो भी है, तो इतना भी बहुत होगा, पर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, दो चार बातें, दो चार पॉइंट अगर आपको याद रह गए मेंस के तो ठीक है, और प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, प्री में इतना नहीं कोई पूछता होता है। तो ये आपका एक्वाकल्चर हो गया, तो इसका भी यही है कि क्या है सरकार अभी क्या करे उनके लिए। और जो अगला टॉपिक है फॉरेस्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको फॉरेस्ट वाला क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसमें से क्वेश्चन हर बार ही आता है। देखो जी, एक तो है नेचुरल वेजिटेशन। अब वेजिटेशन तो सब कुछ आता है, ग्रास झाड़ियाँ पेड़ पत्ते सब आते हैं उसके अंदर। और उस नेचुरल वेजिटेशन का जो मेन पार्ट है दैट इज फॉरेस्ट, एक तो ये है जी। अब इसको आप ज्योग्राफी के साथ करोगे, ज्योग्राफी के साथ करोगे तो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ, ऐसा कोई पेपर नहीं जब इसमें क्वेश्चन नहीं आया, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब उसके बाद है जी, अगर फॉरेस्ट है इसके साथ, ये किसके साथ में, बायोडाइवर्सिटी की भी बात, ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है, बायोडाइवर्सिटी से मिलता जुलता है। अब इसमें क्या है कि एक तो क्वेश्चन ही आता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और साथ में पीछे जुड़े क्या आएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि वी नीड टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। ये बात आप समझ लो कि सरकार को क्या करना है, वी नीड टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व इंक्रीज एरिया एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया को भी इंक्रीज़ कर रहा है और फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए जो ये स्टेप है ना नीचे जो दे रखे हैं कि सरकार क्या कर रही है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया वो बहुत है अपने आप में, वो बहुत है अपने आप में, ठीक है जी। तो एक तो ये एरिया हो गया, इसके ये आपने इस एंगल से पढ़ना है मेंस के लिए। अच्छा, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या है, ये क्वेश्चन तो पिछले साल भी आया था, लॉस और कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है और व्हाट हैज़ बीन डन बाय गवर्नमेंट। और बायोडाइवर्सिटी है क्या है, क्योंकि हिमाचल क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, तो एक क्वेश्चन इस पे आ गया जी आपका पक्का। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या बनता है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट
चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी, किसी की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, फिर उसके बाद क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर है। अब हो क्या रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब खराब हो रहा है। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है इस क्लाइमेट चेंज के साथ लोगों की एडेप्टेशन बढ़ाने के लिए। अब एडेप्टेशन ऐसा नहीं है गर्मी को सहन करने की शक्ति, एडेप्टेशन का मतलब है कि उसी सॉयल के अंदर उतने ही एरिया में उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उस क्लाइमेट चेंज का वहीं पे लोगों को रहते हुए उनकी लाइफ के ऊपर कम से कम असर पड़े, तो इसके लिए सरकार ने और बड़े लेवल पे काम किया। तो अब देखो अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आएगा तो इसका मतलब है वो फॉरेस्ट के एरिए को भी टच कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को भी टच कर रहा है और लोगों की लाइफ एज ए होल भी टच कर रहा है। तो अब इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर की सरकार या जापान हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनके असिस्टेंस से हिमाचल सरकार लगा रही है। तो उसमें से क्वेश्चन बनता है, तो अगर देखो क्वेश्चन आता है आपको फॉरेस्ट को बचाने के लिए तो भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए तो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसको अडेप्टेशन रोकना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक स्टेट तो कहाँ रोक पाएगी, वो तो एक नेशनल लेवल पर है। और उस लेवल पर जाके कि हम अपने आप को उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपनी जो अडेप्टेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की अगर बात करें तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए सरकार ने बाहर से कुछ प्रोजेक्ट लेके आई है और वो कोई 7 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए है, और कोई IMF के साथ, कोई वर्ल्ड बैंक के साथ, जापान के साथ है, जिसके लिए सरकार फंडिंग कर रही है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और क्या है कि अगर हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट और इस क्लाइमेट के साथ एक्लेमेटाइज करना है तो उसके लिए क्या है कि लोगों को ना एक उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है उस तरफ से, चाहे वो स्टूडेंट्स है चाहे कोई और है, ताकि उनको लगे कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बड़ी असेंशियल चीज़ है और इसका होना भी ज़रूरी है। अगर ये कहीं किसी लेवल पे इधर उधर हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए ये फॉरेस्ट वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर टाइप्स वगैरह तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, क्योंकि टाइप्स तो पढ़ते हम कहाँ पर, जो हमारी मेंस वाली बुक है और कुछ थोड़े बहुत अपने प्री वाले में पढ़े हो गए। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं सिर्फ कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ बीच बीच, आप जिन लोगों के पास हमारी मेंस वाली बुक पढ़ी हुई है तो चाहो तो वो पढ़ ले पहले, कि फॉरेस्ट वाला टाइप पार्ट पढ़ ले, वेजिटेशन वाला पढ़ ले, फिर बाद में इसको पढ़ ले, फिर साथ पेपर देख ले अगर किसी को भी मेंस का थोड़ा टारगेट है। अब जिनका ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है तो वो सीधा सीधा इसको ही पढ़े अभी फ़िलहाल, इसको ही समझे इसी तरह से। तो और देखो थोड़ा सा दिया इसमें कि क्या है, तो जो फॉरेस्ट के अंदर दो पार्ट है, एक होता है एरिया, एक होता है कवर। एरिया में तो ये आता है कि जो फॉरेस्ट के पास एरिया है, अब वो एरिया से होता है कि है तो फॉरेस्ट वाला एरिया है बट उसमें पेड़ है नहीं है, वो कोई मैदान भी हो सकता है फॉरेस्ट वालों का, नदी हो सकती है जहाँ से, नाला हो सकता है या कोई ऐसा डंकार हो सकता है, तो वो सारा एरिया में कवर्ड होता है वो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एरिया अगर बड़ा है तो फॉरेस्ट भी काफ़ी हमारे पास। तो एरिया देखो, जो नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि जो एरिया है वो हिली एरिया में 66% करीब करीब होना चाहिए। तो हिमाचल में क्या है कि एरिया कवरेज तो बन गई है। तो अब देखो हमारा एरिया कितना है, टोटल जो एरिया है उसका 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 68.16% है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो 68.16% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया स्टेट का वो फॉरेस्ट में कवर्ड है वो, ठीक है जी। बट जो फॉरेस्ट कवर है जिसे कैनोपी बनती है प्रॉपर, जहाँ पेड़ लगा होता है, तो वो कैनोपी वाला जो फॉरेस्ट है असल में, और वो कितना है अभी सिर्फ 27.72% एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 19 ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। और हमने इसको 27.72 से कितना बढ़ाना है, 30% बाय 2030। तो ये टारगेट है। अब देखो एक तो क्वेश्चन बनेगा कि एरिया कितना है और कवर कितना है और 2030 तक कितना बढ़ाना है। आफ्टर कंप्लीटिंग रीडिंग ऑफ मेन्स बुक्स आई शुड रीड
प्रीलिम्स बुक्स और रिवाइज इट अगेन। देखो ना, मेंस की बुक पढ़ो, इसको इसको पढ़ो, पर सर भी तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। जब आप पेपर के लिए जाओगे ना, पेपर से प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आपको सर्वे को रिवीजन करके जाना पड़ेगा। देखो बेस्ट तरीका तो यह है कि एक बारी आप आजकल पढ़ लो, और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, वैसे ही आप सेकंड रीडिंग फिर लगा दो इसके ऊपर तुरंत, और उसके बाद जब छोड़ दो, दो रीडिंग हो गई आपकी। और तीसरी रीडिंग कब करनी है आपने? पेपर से जाने से पहले, है ना। तो जिसको लगता है कि हम साथ में मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें मेन की तो आप ऐड कर लो। और प्री का तो ऐसा है कि जो प्री वाली बुक है उसका भी यही है कि अभी जैसे आपने मेरे साथ की होगी, उसके बाद बीच में अब छोड़ दोगे आपने, और उसका तो यही है, उसको उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसको तो कम से कम पेपर जाने से पहले दो तीन बार रिवाइज़ करके जाना पड़ेगा। तो जितना आप इनको रिवाइज़ करोगे ना, उतने आपके प्री के क्वेश्चन होने की संभावना बढ़ेगी, है ना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक है कैंपा फॉरेस्ट प्लांटेशन के लिए। देखो अब एक यहाँ पे है कैंपा कंपनसेटरी ए फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है कैंपा। अब एक कैंपा करता क्या है बेसिकली काम? अब देखो जैसे ए फॉरेस्टेशन की बात करता है, और ये देता है फंड। अब देखो जैसे मान लो यहाँ से सरकार ने सड़क बनाई, अब जो सड़क बनी यहाँ काफ़ी सारे पेड़ कट गए। अब सरकार क्या चाहती है कि अगर हमने यहाँ पेड़ काट दिए हैं, इसकी जगह कि हम कहीं और प्लांटेशन कर देंगे, उतने ही पेड़ लगाएंगे या उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अब इसके लिए क्या होता है, जो फंड जाता है तो वो किससे जाएगा? कैंपा से जाएगा। तो कैंपा एक ए फॉरेस्टेशन वाली कंपनी समझ लीजिए, सरकार की अथॉरिटी समझ लीजिए, और जिसका काम क्या है, जहाँ जहाँ पर फॉरेस्ट लॉस होता है खासकर सरकार के कामों के लिए, या कोई बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहा है, सड़क बन रही है, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से फॉरेस्ट का लॉस होता है, और उस लॉस होने से पहले कैंपा की तरफ से मनी सेंक्शन हो जाती है कि इसके बदले में यहाँ पे प्लांट लगेगा, तो ये तो काम करता है कैंपा। तो इसलिए कैंपा के ऊपर भी काफ़ी बर्डन रहता है आज की डेट से। तो ये भी एक फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात तो नहीं करता, बट एफॉरेस्टेशन की बात करता है कि फॉरेस्ट को लगाने की बात करता है कि अगर कहीं लॉस हुआ भी है तो उसकी भरपाई की जा सके। उसके बाद है वन महोत्सव योजना। वन महोत्सव योजना, अब ये चीज़ आप फ्लो, आप इसको सीक्वेंस में याद कर लो मेंस के लिए, तो कि क्या क्या है सरकार करती है। तो जो वन महोत्सव योजना है स्टेट लेवल पर, सर्कल लेवल पर, डिविजन लेवल पर, ये जो इस तरह की जो महोत्सव होता है, सेलिब्रेशन इनकी की जाती है। तो अब एक और है यहाँ पे, इसी के नीचे लाइन लिखी होगी, अवेयरनेस ऑफ अमंग ऑल स्टेक होल्डर रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट कंसर्न अंडर न्यू फॉरेस्ट्री स्कीम सांझी वन योजना। अब एक स्कीम और है सांझी वन योजना। अब सांझी वन योजना क्या बोलते हैं उसको, कि वन है जो जंगल है जो, वो सिर्फ सरकार का ही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको प्रिजर्व करने की, उसमें लोकल कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी के साथ में वहाँ के जैसे नवयुक मंडल होते हैं, वहाँ के महिला मंडल होते हैं, वहाँ के इवन एनजीओज होते हैं, उन सबको भी इसमें कोलैबोरेट होना पड़ता है, है ना। तो ये भी स्कीम है, तो इसके अंदर सारे लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर 2021 द डिपार्टमेंट हैज़ सेट प्लांटेशन टारगेट ऑफ 12,000 हेक्टेयर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द सेम हैज़ बीन अचीव्ड बाय 2020। तो अब देखो हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के अंदर भी है बात की हुई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ हम क्या कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए, तो उसमें 12,000 हेक्टेयर की बात करी थी। तो ये जो अब जब आप मेंस दोगे ना, तो ये सारे फिगर आपने याद रखने हैं, और सीधा सीधा आंसर है ऊपर से लेकर नीचे तक लिख लो तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। अब देखो ना, एक आपके सिलेबस में और एक चीज़ है, वो है डिज़ास्टर प्रोफाइल इन हिमाचल प्रदेश। अब जो डिज़ास्टर प्रोफाइल है, जैसे आज भी बाढ़ आई है ना, लैंडस्लाइड है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी प्रोफाइल है। प्रोफाइल कहाँ कहाँ बनती है?
और एक प्रोफाइल में आता है फॉरेस्ट फायर, तो जो जंगलों में आग लगती है वो भी एक प्रोफाइल है, वो भी डिज़ास्टर है ना। और इवन एक स्टैम्पेड होता है जो मंदिरों में, वो भी फॉरेस्ट प्रोफाइल में आता है। तो अब यहाँ पे जो अब देखो, इसी इन्फॉर्मेशन को आप उधर भी यूज़ कर सकते हो फॉरेस्ट उसके लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ किसके लिए कर रहे हो आप यूज़, यहाँ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, चेक पोस्ट बनेंगे, जो सेंसिटिव प्लेसेस है वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगेंगे है ना, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे, और कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा वो हुशियारचंद के एक बार यहाँ पे मार ही दिया गया था, तो इस तब के बाद कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गया है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम एंड द स्टेट नेमली फॉरेस्ट फायर फायर मैनेजमेंट स्कीम, तो ये भी स्कीम भी चला रखी है, ठीक है जी। तो ये देख लेना। अब नेक्स्ट है कि हमें फॉरेस्ट से कुछ कमाना भी है, अर्निंग भी करनी है। तो यहाँ पे है एक्सपेरिमेंटल सिल्विकल्चर फेलिंग सब्सिडरी सिल्विकल्चर ऑपरेशन। अब जो सिल्विकल्चर क्या होता है कि जो जंगल होता है ना जंगल, तो सरकार अलाउ कर देती है उन जंगल्स को, उन पेड़ को, उस हिसाब से उसकी जैसे प्रोनिंग करते हैं ना, प्रोनिंग करके क्या होता है उस पेड़ को किस किस पार्ट का उसका इसका थोड़ा हेल्दी करना है, कितनी उसकी लेंथ बढ़ानी है, कितना उसका क्या करना है ना, कौन सी ब्रांच कैसी होनी चाहिए, उस पेड़ की जो प्रॉपर्टीज़ है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, तो उनकी इस तरह के छंटनी की जाती है। और बाद में देखा जाता है कि इतने हाइट बढ़ने के बाद उसको काट दिया जाएगा, और अगर कोई सूख गया उसको भी निकाल दिया जाएगा जंगल से, है ना। तो अब ऐसा क्या है कि अब आज की डेट से कि लीगली, इलीगली तो लोग चलो जंगलों को काट लेते हैं, बट इलीगली लीगली थोड़ा मुश्किल है ये लेना। तो अब सरकार क्या बोल रही है कि हम एक काम करते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इसी तरह से एक जो नया शब्द जिसके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है सिल्विकल्चर। तो सिल्विकल्चर में क्या होगा, जो फॉरेस्ट है ना उसके अंदर एक तो टिम्बर आएगा, और एक नॉन टिम्बर जो प्रोडक्शन होती है, चलो नॉन टिम्बर वाली तो नॉर्मली की जाती है जिसमें से उसमें फ्रूट निकाल दिए, पत्ते निकाल दिए, अब जो टिम्बर है उसको कैसे किस शेप में लेके जाना है और कैसे उसको हार्नेस करना है। तो हिमाचल के पास फॉरेस्ट अगर एरिया ज़्यादा है उसको अगर प्रॉपर कर दिया जाए तो फॉरेस्ट भी एक सोर्स बन जाएगा किसके लिए, इनकम के लिए। अब सरकार अभी बीच में क्या आता है कोर्ट, क्योंकि ये मैटर बन जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ वाला जाता है, क्योंकि लाइफ थ्रेटन हो जाती है अगर इन्वायरमेंट सही नहीं हो, क्योंकि हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास फॉरेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर कोर्ट के पास जाए तो अब कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि एक रेगुलेटेड मैनर में और एक पायलट बेसिस पे जो सिल्विकल्चर है उसको अलाउ कर दिया गया है। तो उसमें क्या है कि प्लांट को इस तरह से, उस पूरे एरिया को, जंगल को इस तरह से उसकी देख रेख की जाएगी कि तो उसमें से हम कुछ निकाल पाए, है ना। तो ये किन किन स्पीशीज़ में किया है अभी, खैर चील एंड साल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन थ्री रेंजेस। तो तीन रेंज में भी इसको किया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक नूरपुर रेंज में है, और नूरपुर कांगड़ा में पड़ेगी, और भरारी रेंज पूजा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, और पौंडा रेंज कहाँ पे है, ये है नाहन वाला जो है सिरमौर में। तो इस तरह से तीन रेंजेस में ये अलाउ कर दिया गया है। और अब इसमें क्या होगा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड दैट मेंटेनिंग हेल्दी यंग एंड बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अलाउ रिवाइवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिल्विकल्चर ऑपरेशन लाइक क्लीनिंग थिनिंग एंड साल्वेज ऑफ डेड ड्राई ट्रीज एज वेल एज सब्सिडरी सिल्विकल्चर ऑपरेशन। तो उनको कहीं जगह क्लीन भी करना पड़ता है, कहीं जगह उनको थिन करना पड़ता है, और जो डेड हो रखे हैं उनको निकलवा दो। तो इस तरह से क्या होगा, एरिया भी एक स्पेशियस बनता रहेगा और नए प्लांट को जगह मिलती रहेगी, और जो है ऑलरेडी उसका उसमें से क्या है जनरेशन, जो इनकम जनरेशन होने लग जाएगी, ठीक है जी। तो इसको भी हम बोल सकते हैं, देखो जैसे अब सिलेबस में आता रहता है क्वेश्चन ही पूछा कि दो बारी नॉन टैक्सेशन जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज है वो क्या क्या है, तो ये भी नॉन टैक्सेशन में आ जाएगा। और इसके अंदर जैसे नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो सब आ जाते हैं इसमें। अब उसके बाद कुछ और स्कीम, जैसे नई स्कीम है, एक है सामुदायिक वन
संवर्धन योजना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू प्लांटेशन, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, रिजुवेनेट एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ रूरल कम्युनिटी विद नेचर्स, सस्टेनेबल फ्लो ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। देखो कितने कीवर्ड आ गए यहाँ पे, बॉन्ड ऑफ रूरल कम्युनिटीज विद नेचर्स, तो गाँव के लोग हैं उनको नेचर के साथ जोड़ दिया जाए, सस्टेनेबल फ्लो ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है कि इकोसिस्टम के अंदर जो आपस में एक चेन बनी हुई है उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अब अगर वहाँ पानी सही होगा तो फॉरेस्ट होगा, अगर फॉरेस्ट सही होगा तो वहाँ की मिट्टी सही हो जाएगी, अगर मिट्टी सही हो जाएगी तो वहाँ पे कुछ और सही हो जाएगा। तो अगर इस इकोसिस्टम से एक भी कंपोनेंट बाहर कर दिया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो अब उस पूरे सिस्टम का जो फॉरेस्ट है वो एक मेन पार्ट होता है इकोसिस्टम का। तो लोगों को इसके प्रति पूरी जागरूकता होनी चाहिए कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में से एक कंपोनेंट भी अगर बाहर कर दिया और जिसमें से जो फॉरेस्ट है वो मेजर है, तो ये सारा चीज़ें, ये जो सामुदायिक वन संपदा जो योजना है, तो समुदाय का मतलब क्या होगा कि कलेक्टिव कम्युनिटी बेस में, और पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो अभी तक क्या है कि जो कम्युनिटी है उनको लगता है कि हमें फॉरेस्ट को किसी तरह से चोरी करना है, और उसको बचाने में कौन लगे, सिर्फ सरकार के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे कि एक ऐसा टाइम आना ज़रूरी है जब लोगों की जो सेंसिटिविटी है कि वो उसके प्रति बढ़ जाएगी, तो वो इन स्कीम को अगर लोगों को इसका ज्ञान होगा तो बढ़ेगा। अब देखो समझने वाली बात ये भी है कि जैसे अब हम लोग हैं, हमें भी कौन सा ये सच में पता है, अब गांव के सभी लोगों को पता होगा स्कीम क्या होगी, तो कैंपेनिंग बड़ी ज़बरदस्त लेवल पर होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए की बातें। तो ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सरकारी डॉक्यूमेंट्स, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है उनको पता है, और जिन्होंने तैयारी करनी उनको पता है, और जो आम जनता है जिनके ऊपर ये लागू होनी चाहिए थी, जिनको उसको यूज़ में लाना चाहिए था, उनके पास कम से कम नॉलेज है, बहुत ही कुछ परसेंट लोग। अगर आप खुद आप ये ज्यूम करके देखिए कि अगर आप तैयारी ना करते, आपने कभी सुनी होती स्कीमों के नाम, तो ये बड़ी दिक्कत है। सामुदायिक वन संप्रदाय योजना के अकॉर्डिंग वो क्या रहा है ग्रास रूट लेवल पर, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये दिक्कत क्या है कि जो तो ऑफिसर्स है उनको पता है, हम लोग तैयारी करें हमको पता है, बट रियलिटी नहीं पता है। रियलिटी में क्या है कि तो इसका मतलब है जो कैंपेनिंग है वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि इसके बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, और इस लेवल पर समझाया जाना चाहिए। तो दिक्कत यही है जी सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑफिसर रैंक्स पर होता है जिनको थोड़ी ज्ञान होती है वो उस लेवल पर जाते नहीं हैं गाँव में, और जाएंगे कब, क्यों जाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी हायरार्की अपने में बिजी है, दूसरा जो बचा हुआ टाइम मिलता है वो पॉलिटिकली इंगेजमेंट हो जाती है उनकी, तो उनको पॉलिटिकली बड़ा इंगेज रहना पड़ता है, आज इधर से इसकी विजिट हो गई तो वहाँ खड़े हो जाओ। देखो ना बहुत सारी चीज़ें, तो ऑफिसर्स के लिए एक सेरेमोनियल है ना, सेरेमोनी है, आज जनमंच है वहाँ चल जाओ, और आज आपके एरिया से MLA निकलना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आज मंत्री ने खड़े होना पड़ेगा, है ना। और जो ऑफिसर है, अब आपके एरिया, आप किसी एरिया के रेंजर ऑफिसर हो, अब आपके एरिया में बताया कि आज आना किसी ने, तो आप तो पूरा डिपार्टमेंट उसमें लगाओगे कि इधर आपका टेंट बनना चाहिए, इधर से आपकी कालीन बिछनी चाहिए, और ये जो जहाँ जहाँ हमने दिखाना है उसको ठीक कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें जाती है सेरेमनी पे, और जो उससे नीचे वाला स्टाफ है उनको इतनी ज़्यादा नहीं होती ट्रेनिंग, नहीं होती उसकी, इस लेवल पर उसकी नॉलेज भी नहीं होती है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो क्या है, कई बार ये एक ड्रॉबैक भी इंडियन ब्यूरो इसका सिस्टम का, कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पॉलिटिसाइजेशन काफ़ी रहता है, तो उसको पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो ये चीज़ आप देखते ही होगे, चाहे कुछ भी होगी, कुछ भी हो रहा होगा तो हाजिरी देनी पड़ती है ना। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या CA भी है ना, ये सारी पुरानी स्कीम है, कुछ हमारी जो उसकी बुक है मेंस की उसमें है सारी। तो विद्यार्थी वन मित्र योजना, तो जो विद्यार्थी है उनको भी इसके प्रति बताना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको मोटिवेट करेगा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी देख लेना आप, स्टूडेंट जो स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर रोल्स है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये भी है वन विद्यार्थी वाला। उसके बाद है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना,
तो वन समृद्धि जन समृद्धि में क्या है कि अगर जन समृद्ध हो गए, अगर जंगल अच्छे हो गए, प्रॉस्परस हो गए, तो उसका जो प्रॉस्पेरिटी का जो बेनिफिट है वो लोगों को मिलेगा। बट प्रॉस्पेरिटी में हमने ज़्यादातर क्या देखना है, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, NTFE नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनको ज़्यादा हार्नेस करना है। तो वो तब पॉसिबल है अगर अच्छी क्वालिटी के फॉरेस्ट होकर ज़्यादा हो गए, है ना। तो इसके लिए तो इसमें भी क्या है, लोकल कम्युनिटी को साथ देकर चलना पड़ता है। तो इनिशियली 7 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच डिस्ट्रिक्ट में एक काल लागू हो चुकी है, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो जो ज़्यादातर डाइवर्सिटी, तो ज़्यादातर डाइवर्सिटी की तरह इधर शिमला से ऊपर वाले एरिया में है, तो उधर तो लागू हो चुकी है। तो कई बार प्री में बन सकता है क्वेश्चन ये कि कितने डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है एक बूटा बेटी के नाम, ये 2019-20 से स्टार्ट हुई थी। अब ये जो एक बूटा बेटी के नाम स्कीम है, ये दोनों को वैल्यू देने की बात कर रहा है, फॉरेस्ट को भी दे रहे हैं वैल्यू देने की बात कर रहा है, और जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए भी। तो उसमें तो सिंपल सी बात है कि जिस घर में गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा उसको सरकार एक गिफ्ट देगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें एक गिफ्ट रोबस्ट एंड हेल्दी प्लांट सैपलिंग अलोंग विद द किट इंस्ट्रक्शन पैम्पलेट टू द फैमिली। तो उसमें एक प्लांट होगा, एक किट होगी, और एक उसमें पैम्पलेट होगा, कुछ गाइडलाइंस होगी, कुछ उसको वेस्ट स्पीशीज होगी। तो उसको ये बोला जाएगा कि आप मानसून के सीज़न में जाके अपने एरिया में कहीं पर भी प्रदेश के अंदर कि इस प्लांट को लगा ले अपनी बेटी के नाम से। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे। तो अगर आप वुमेन राइट्स की, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए भी लोगों को अगर मोटिवेट करना है तो वहाँ भी आप लिख सकते हो स्कीम। और अगर स्कीम आता है प्लांट के नाम पर तो भी ये आप लिख सकते हैं। अब एक स्कीम है पर्वत धारा स्कीम। अब पर्वत धारा क्या है, ये पानी को लेकर है। अब हो क्या रहा है, अगर पानी का लेवल ही डाउन चला जाएगा और पानी का जो ग्राउंड वाटर उसका रिचार्ज नहीं होगा सही से, तो इस तरह से क्या होगा, तो इसका भी असर पड़ जाएगा प्लांट के ऊपर। तो पर्वत धारा क्या है, 2020-21 में लॉन्च की है, और इसमें क्या कर दिया, दिस विल हेल्प इन रिचार्जिंग एक्वायर्स, जो पानी है उसको रिचार्ज करता है उस एरिया को, ताकि जो हमारी फॉरेस्ट है वो सही से ग्रो कर पाए। अलॉन्ग द स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन जल शक्ति, तो दो डिपार्टमेंट है इसके, जल शक्ति डिपार्टमेंट बट द फॉरेस्ट एरिया द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वैसे तो नॉर्मली तो इसको जल शक्ति डिपार्टमेंट करता है, और जहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया होगा वहाँ पे सिर्फ इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब इसी तरह से एक्सटर्नली जो एडिट प्रोजेक्ट है, तो बाहर से जो मैं हेल्प आती है उसको लेकर भी प्रोजेक्ट है, 2-3 प्रोजेक्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है 2-3 प्रोजेक्ट। ये मेंस में, ये जो पहले वाला ना, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। प्री में 4 नंबर, मेंस में 4 नंबर का पूछा हुआ था, और प्री में ये पूछा था कि ये कहाँ पे लॉन्च किया है, 2 डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा और शिमला में। अगर आप प्री वाली पिछला पेपर देखोगे, आई थिंक 17-18 में पूछा है कभी ये। तो अब इस तरह से क्या होता है, अगली बार अगला पूछ ले। तो अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक्सटर्नली जो एडिट प्रोजेक्ट है ये फॉरेस्ट के लिए भी है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी है, और लोकल जो लोग हैं जिनकी अडेप्टेशन बढ़ानी है उनको उस तरफ लेके जाना है उसके लिए भी है, और इकोसिस्टम के लिए भी है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हेल्दी करने के लिए भी है। तो इस तरह से 2-4 जगह आप इसको यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। तो अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा प्री के लिए। सबसे पहले तो ये, इसके देखो जो कुछ कीवर्ड्स है, पहले ये देख लो करता क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव देखो, पहले मेन ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, बाकी बात देखना। तो मेन ऑब्जेक्टिव रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब रिहैब करना है, अगर कहीं फॉरेस्ट कुछ प्रॉब्लम आ गई क्लाइमेट की वजह से, किसी और की वजह से, और साथ में क्या है इसमें, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ, ऑब्जेक्टिव में प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको भी किस तरह से यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंड रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।
तो अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए उसको रेजिलिएंट बनाना है वो, ताकि उससे फाइट कर सके, तो ये इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और साथ में क्या, स्ट्रेंथनिंग द एडेप्टेशन कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी क्लाइमेट चेंज के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया तो हम अपना फॉरेस्ट ऊपर को लेके जाएगा, मैं तो वहीं रखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से इकोसिस्टम की टर्म यूज़ हुई है इसमें, और उस इकोसिस्टम को किस तरह से हमने एडेप्टेशन की बात की गई है, रेजिलेंस बनाना है उसको ना, रिहैबिलेशन की बात करी, प्रोटेक्शन की बात करी है। तो कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, तो हमारा जो इकोसिस्टम है क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके साथ उसको किस तरह से रेजिलेंट करना है। और ये अभी तक सिर्फ दो स्टेट में स्टार्ट हुआ है, चंबा एंड कांगड़ा में, जो प्रीमियम पूछा गया क्वेश्चन, और 7 साल के लिए है, 2015-16 में स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह से 22-23 तक चलेगा, देखने 7 साल कहाँ आगे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इसका कौन इसको फंड कर रहा है, तो KWF बैंक है इनका, KWF की जो उनकी अपनी भाषा में कुछ फुल फॉर्म होती है, तो वो बैंक है जर्मनी का, तो जर्मन से ये स्पॉन्सर्ड है ये प्रोग्राम। तो ये देखो इसके आपने क्या निकाला इसमें से, जो इसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स और इसके कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स कहाँ से निकलेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव में से, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इसके कीवर्ड्स है, ठीक है जी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब इकोसिस्टम मैनेजमेंट, अगर इकोसिस्टम को मैनेज करेंगे, जो उस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइवलीहुड मैनेजमेंट भी हो जाएगी, उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इन्वायरमेंट के साथ, उस क्लाइमेट के साथ, उस इकोसिस्टम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर भी थ्रेट आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उस इकोसिस्टम को बना के रखना है ताकि उन लोगों की ज़िंदगी भी बनी रहे। तो इसके लिए भी क्या है, ये भी 8 साल का प्रोजेक्ट है, 25-26 तक चलेगा, इसकी डेट याद रखना प्री के लिए। और इसको असिस्ट कौन कर रहा है, जापान। 80% इसमें लोन मिलेगा जापान की तरफ से, और 20% इसमें शेयर खर्च करना पड़ेगा सरकार को। तो 80% इसमें लोन है, ये भी आपने याद रखना। तो ये भी कहाँ कहाँ, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कुल्लू शमशी में है, और डिस्ट्रिक्ट जो क्वार्टर है वो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अब इसका भी क्या है, कंजर्व द फॉरेस्ट एंड मेंटेन द इकोसिस्टम। तो सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और ये एक ही चीज़ नहीं होती, पूरा इकोसिस्टम बना रहना चाहिए। अगर एक इकोसिस्टम से अगर एक चीज़ भी हिल जाए ना तो सारा हिल, जैसे अभी देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारा एक इकोसिस्टम है, राइट, इधर जूम है, इधर मेरे पास बोर्ड है, इधर इलेक्ट्रिसिटी है, और आपके पास अपने, किसी के पास फ़ोन्स है, किसी के पास अपना लैपटॉप है ना। और इवन आज की डेट से छोटा सा इकोसिस्टम के अंदर एसी, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो ये एसी भी इसका पार्ट है। अब एसी को मैं निकालूँगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये पूरा सारा सिस्टम हिल जाएगा, है ना। इवन जो ये मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, अगर यही चलना बंद कर दे, है ना, इलेक्ट्रिक पेन, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि इकोसिस्टम के अंदर एक ही चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं कि समझना कि हमने सिर्फ फॉरेस्ट को ही बढ़ाना है और फॉरेस्ट एरिया ही बढ़ाना है, पता चले वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट्स है ये ज़्यादा फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के ऊपर एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर ये पेन इस टाइम नहीं चलेगा तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बड़ी सारी चीज़, जितनी बड़ी चीज़ हो ना हमारे पास, और कहीं भी इंटरनेट का कनेक्शन चला जाए, तो ये सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पर समझो ये 2 दिन जो प्रोजेक्ट है ये ज़्यादातर उसके ऊपर बात करता है, पूरे इकोसिस्टम के अंदर बात करता है, फॉरेस्ट को साथ लेके चलता है, और ताकि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो सज जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई असर ना पड़े, ठीक है ना। तो एनहांसिंग द बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन, तो इसको पूरा इंसान इन्हांस करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एडिड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर। सोर्स सस्टेनेबिलिटी, तो जो हमारे पास सोर्सेज है उनको सस्टेन रखना है, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर, तो उस चेंजिंग क्लाइमेट को के साथ फाइट करते, उसका रेजिलिएंट होके कि हम क्या करेंगे, रेन फेड एग्रीकल्चर पैदा करेंगे, कि मतलब अगर बारिश वगैरह कम भी हो, टेम्परेचर कम भी हो, तो उससे भी काम चल जाए।
तो इसको ज़्यादातर कहाँ पे 900 ग्राम पंचायत इन शिवालिक एंड मिड हिल एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो शिवालिक एंड जो मिड हिल वाला एरिया है जहाँ पे लगता है कि आने वाला टाइम में थोड़ी गर्मी और बढ़ेगी, तो उसके लिए पहले ही तैयारी कर दी है ना। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है सारा ये। तो यहाँ पे काम करना है, तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड कंप्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 2 लाख हेक्टेयर नॉन अरेबल एंड 20 हेक्टेयर ऑफ अरेबल लैंड्स। तो अरेबल होता है ना, जैसे किसी को कभी उसको खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ी है उस पर लगाया जा सके, जैसे मान लो कहीं पे मार्शल लैंड हो गई, कहीं पे कुछ किस रेत वाली लैंड हो गई, तो इनको भी अब यूज़ में लाना है किसी तरह से, है ना। जिसको ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दो फिर लेके आओ, तो ऐसी सारी चीज़ें, तो इनको इस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो, अभी जो इकोसिस्टम है ना फॉरेस्ट वाला, ये हिमाचल में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके सिलेबस में लिखा है रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना, है ना, तो उसमें भी आप भी लिख सकते हो। और इसमें जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट करता है, अब देखो यहाँ पे, तो इसमें नीचे जो टेबल बना रखी है, टिम्बर जो प्रोविजनिंग है वो 0.31 कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। एक ऐसा क्वेश्चन प्रीमियम पूछ लेते हैं, टिम्बर 0.31, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट रिसोर्सेज 0.27 और कार्बन रिटेंशन 11.41। देखो ना, जैसे कार्बन रिटेंशन होती है ना, अब देखो ना, कार्बन रिटेंशन का मतलब है कि इसको भी हम बेच सकते हैं, है ना। जैसे हिमाचल को बोलते हैं ना कई बार कार्बन ट्रेडिंग स्टेट बनी हुई है, तो कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो हम कार्बन को कम से कम एमिट कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि जो कार्बन सिंक होता है, तो कार्बन सिंक हमेशा क्या होता है, इवन सी है, सी के अंदर कार्बन सिंक हो जाती है, जैसे वहाँ बहुत सारी वेजिटेशन है। उसके बाद हमारी चट्टानें हैं जिसमें कोल की फॉर्म में बहुत ज़्यादा कार्बन उसमें उस पर जमा है, तो ना जो CO2 है वो जब तक एटमोसफेयर में नहीं आएगा, बाहर नहीं फ्रीली घूमेगा, तब तक सेफ है। तो इंसान क्या करे, अपनी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ वो है सी से भी निकाल रहा है बाहर, कोयले से भी निकाल रहा है बाहर, है ना, पेड़ भी काट रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, CO2 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम कम से कम करेंगे इसके ऊपर, इसको कम से कम एमिट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए ग्रीन बजट सुना होगा आपने, ग्रीन बजट, तो ग्रीन बजट यही होता है। तो ग्रीन बजट का मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो मेरे पास, मैं एक साल में 1000 किलोमीटर चला, पर चला मैं किससे, साइकिल से, 1000 किलोमीटर चला साइकिल से, और एक में मैं 1000 किलोमीटर चला बट मैं चला कार से। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 0 नुकसान किया है, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मान लो 12 नुकसान कर दिया, किसका, एनवायरनमेंट का। तो कहीं ना कहीं इसके हम कॉस्ट पे कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट जो डिग्रेड होता है उसकी सरकार कॉस्ट पे नहीं करती, उसकी सरकार को कॉस्ट पे करनी पड़ती है किसी न किसी सेंस में। तो इसलिए ग्रीन बजट यही बोलता है कि अब ग्रीन जो जीडीपी निकलती है, समझ रहे हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट कॉस्ट, तो जो ग्रीन जीडीपी निकलती है वो बाद में यहाँ से हम निकालते हैं कि कितने रुपये का हमने हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब किया है, और उसके लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं उसके लिए बाद में, क्लियर है ना बात। तो एग्जांपल मैं आपको ऐसे नॉर्मली दे दूँ, जैसे आप चलो आपका घर है, छोटी सी किचन है, उसमें आप नीचे आग जलाते हो, और इस किचन में आप आग की बजाय क्या करते हो, गैस जलाते हो। खाना यहाँ भी 10 लोगों का बनना है, यहाँ भी 10 लोगों का बनना है। अब एंड में क्या हुआ, एक साल के बाद ऊपर आपकी छत पे पूरी जम गई कार्बन टाइप। अब यहाँ पे भले ही आपको ये पड़ी, इसकी कॉस्ट पड़ी 100 रुपये, इसकी कॉस्ट पड़ी 90 रुपये, इसकी 90 रुपये पड़ी, और अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये सफाई करवानी पड़ेगी इसकी 10 रुपये की। तो क्या हुआ, ये भी 100 रुपये का, ये भी 100 रुपये का। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है कि हमें, तो इसको भी हम ऐड करते हैं, है ना। ऊपर से जब हम कभी करेंगे करंट अफेयर्स में, तो कार्बन ट्रेडिंग भी होती है, वो अलग चीज़ है, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल से निकला था। तो
तो इसका भी इसमें रोल है, द टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस. तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमें देता है तो 11.72% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो इतना कंट्रीब्यूशन है उसका. तो ये प्री के लिए कई बारी बन सकता है आंसर. तो ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो इसमें देख लो आप नीचे ग्रॉस वैल्यू एडिशन. तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम अपने जो हमारे पास पूरे साल का था उसमें हमने कितना ऐड किया है. तो ग्रॉस वैल्यू देखो, जीडीपी तो हो गई पूरी गुड्स एंड सर्विसेज हो गई है ना, उसके ऊपर देखो. जैसे अब मैं मान लो मेरे पास आज जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जैसे बोर्ड है ना, कैमरा है और लैपटॉप है, ये सारा है. तो वैसे ही मैं बोलूँ उसको, इसकी जब ये लाया था नया, जब तक ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, तो इस पूरे की वैल्यू 1000 रुपये होगी, 1000 रुपये होगी. तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ऊपर से जो मैं पढ़ाता हूँ 1000 रुपये, चलो मेरा हो गया 2000 रुपये, चलो इसको छोड़ो भी. तो अब अगले साल क्या होगा, इसकी वैल्यू उतनी तो नहीं रहेगी, डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी कुछ वैल्यू गिर जाती है. जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी खरीदने के बाद ऐसा होने कि वो जिस रेट के हमने खरीदी थी उसी रेट में बिकेगी, अगले साल उसकी थोड़ी घिसाई हो चुकी है ना, उस डेप्रिसिएशन को पूरा करने के लिए हम सर्विस करवाते रहते हैं उसकी. तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर जो मैंने लगाया था ये सेटअप, ये 1000 रुपये का रह गया, ना कितने का रह गया, 900 रुपये का. अब एक चीज़, अब ये तो अब तो जीडीपी तो इतने की है, अब वैल्यू एडिशन में क्या करते हैं, मैंने एक नया लैपटॉप ले लिया, वो कितने का है, 150 का, कितना बन गया, 1050. तो अब ऐसा समझ लीजिए वैल्यू एडिशन कितना हुआ इसमें, 50 रुपये का, भले इसका 100 रुपये का गया डेप्रिसिएशन में, ऐसा कुछ सिंपल समझ लो आप. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी ये ऐड करता रहता है. तो जी बी ए ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में, तो जी बी एग्रीकल्चर, तो परसेंटेज में 13.62%, शेयर ऑफ क्रॉप 7.91%, शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक 1.78%, शेयर ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉगिंग 3.79%, शेयर ऑफ फिशिंग 0.14%. तो ये सारा, तो ये हमारा चैप्टर थोड़ा सबसे बड़ा चैप्टर था ये, कि ये हो गया है बैंकिंग, और ये वाला है इस तरह के, इसमें क्वेश्चन भी आते रहते हैं, पर एग्रीकल्चर वाला आपने अच्छे से करना है इसको, इसमें से बहुत स्कोप बन जाता है. ठीक है जी, तो अब देखो जी, तो हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है ना, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और साथ में फॉरेस्ट, तो ये सारा कर दिया है. तो इसका करंट पार्ट ये हो गया, और इसका कन्वेंशनल पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, खासकर फॉरेस्ट वाले का है ना, कि फॉरेस्ट के टाइप्स क्या है, फॉरेस्ट का क्या है. तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का रोल रहता है इसमें.